आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर एक बार फिर चारा घोटाले के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को तगड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का फरमान सुना दिया है। चारा घोटाले के आरोपी आरजेडी मुखिया लालू यादव को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील पर मानते हुए लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 9 महीने के अंदर इस मामले की ट्रायल को कराने का सख्त निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने लालू को राहत देते हुए उनके ऊपर लगे घोटाले से जुड़े आरोपों को यह कहते हुए हटा दिए थे कि एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल। वैसे आपको बता दें कि 1996 में लोगों के सामने चारा घोटाला सामने आया था और उस वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। घोटाले में करीब 950 करोड़ रुपए का गबन हुआ था जिसमें लालू यादव समेत 56 आरोपियों के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में लालू को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई और उन पर 11 साल तक कोई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद लालू यादव कुछ वक्त के लिए जेल में रहे लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। फिलहाल चारा घोटाले में आरोपी लालू यादव जमानत पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के बाद न सिर्फ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन विपक्ष के निशाने पर भी आ गया है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। चारा घोटाले में लालू यादव फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन कोर्ट के इस झटके के बाद न सिर्फ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन भी विपक्ष के सामने आ गया है।